सुना ये सुना पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी भाई बहनों को जय सु। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मातृधाम सत्संग में। आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस समय इस स्टूडियो में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, और पवित्र आत्मा ही मुझे प्रेरित करता है कि कौन सा विषय कब लिया जाए, और पवित्र आत्मा की अधीनता में हम इस संपूर्ण कार्यक्रम को आपके सामने पेश करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सहृदय इस कार्यक्रम को स्वीकार करें, स्वागत करें। हम स्तुति से शुरू करते हैं। जैसा कि बार बार मैंने आपसे कहा, स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। स्तुति हमें जगाती है, हमारे हृदयों को जगाती है, हमारे मनों को जगाती है, हमारी आत्माओं को जगाती है। स्तुति के दौरान हम लोग पूरी तरह से खुल जाते हैं और प्रभु के वचनों को सुनने और प्रभु की उपस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम पढ़ेंगे स्तोत्रकार की अतः स्तोत्र 33 में, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है, वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वाद्य बजाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए अच्छा है, उचित है, क्यों? हम जानते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। एक एक बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना चाहिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 और 20 को मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। ये वास्तव में हम विश्वासियों और मसीहों की जीवन शैली होनी चाहिए। हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर का स्तुतिगान करना। अभी कुछ देर पहले एक बहन मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने अपना आध्यात्मिक अनुभव मुझे बताया। 3 दिन उपासना कुटीर में प्रार्थना करने के बाद उनको लग रहा है कि हर समय उनकी आत्मा गा रही है, हर समय उनको लगता है कि वो प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। हर विश्वासी को, हर मसीही को हर समय ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर उस गीत को हृदय खोल कर गाइए, मुंह खोल कर गाइए, ताली बजाते हुए बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ उस गीत को गाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा।
यीशु हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। गाइए शक्ति के दाता शक्ति दो आपकी महिमा।
ताली बजाकर आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। दोनों हाथ उठा ताली बजाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। पावन आत्मा मुझ में आओ, की महिमा हो, आपकी महिमा हो। पावन आत्मा मुझ में आओ, आपकी महिमा, मेरे साथ साथ मिलकर गाएंगे। पावन आत्मा मुझ में आओ, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा। सब मिलकर हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। और बस मिलकर आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए, धन्यवाद दीजिए जीवन के वरदान के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने परिवार के लिए, परिजनों के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने घर बार के लिए, धंधे के लिए, हर कार्य के लिए। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय और मन को एकाग्र करें, प्रभु पर लगाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये अनुभव करें कि प्रभु आपके करीब हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, प्रभु का सानिध्य आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। उस सामर्थ्यवान शक्तिशाली ईश्वर के सामने अपने आप को अर्पित कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख हैं। उन सारे दुखों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, सुपुर्द कीजिए। वो आपके भविष्य को पलटने में समर्थ हैं। या रमेश नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। वह हमारे भाग्य को पलटने में समर्थ है। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु में पूरी तरह से लीन हो जाएं। सारी समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए इस मातृधाम सत्संग के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तेरी उपस्थिति इस समय हमारे साथ है। मैं विश्वास करता हूं, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे साथ इस स्टूडियो में है, और उसी तरह मैं ये भी विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे भाई बहनों के साथ है, तो उनके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, उनकी परिस्थितियों में सहभागी होना चाहता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में, तू स्वयं कहता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं।
यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु तू चाहता है कि हमारे साथ एक आदान प्रदान करें। मेरे एक भाई बहन पर इस समय कृपा करना, ताकि वे अपने हृदय और मन को पूरी तरह से तेरे लिए खोल दें, ताकि तू उनके जीवन में कार्य कर सके। आइए भाई और बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें और इस समय हम प्रभु को पुकारें, पवित्र आत्मा को पुकारें कि पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय और मन को शुद्ध करे, पवित्र करे। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, पवित्र वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को उत्साही बनाए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाते हुए हम इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करें। प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा, हे शांति की आत्मा, हे शक्ति की आत्मा, हे प्रेम की आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे हृदयों में आइए।
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए प्रभु ने हमें प्रेरणा दी है और उसके लिए आवश्यक शक्ति दी है, संसाधन दिया है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आशीर्वाद प्रदान करें। आपने ख्याल किया होगा, शुरू से लेकर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, आवश्यकता नहीं है। आपकी दुआओं को प्रभु सुनते हैं और आपकी आवश्यकताओं को प्रभु जानते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप पवित्र वचन को सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो श्रद्धा से उनकी वाणी सुनते हैं। यानी जब आप श्रद्धा पूर्वक प्रभु की वाणी सुनते हैं, उस समय प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर लगी हुई है। और यह भी विश्वास करें कि एक एक वाणी आपके जीवन में पूर्ण होगी। इसयास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटती है। तो प्रभु की हर एक वाणी हमारे जीवन में कार्यान्वित होती है, विश्वास करना। यह भी विश्वास करना कि जब आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, उस समय आपके अंदर आपके जीवन में कुछ हो रहा है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है, पेतरुस और अन्य शिष्य मछली पकड़ने के लिए प्रयास किए, रात भर एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। उसके बाद अपने जाल को धो रहे थे, नाव को तट पर चढ़ाए हुए थे। प्रभु येसु वहां पे आए और एक बहुत बड़ी भीड़ येसु के चारों ओर इकट्ठी थी। पेतरुस यानी शिमोन से कहा कि अपने नाव को पानी में डालो, और प्रभु उस नाव में बैठकर लोगों को वचन सुनाए। उसके बाद शिमोन से कहा कि नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। हालांकि शिमोन ने कहा कि रात भर हमने परिश्रम किए, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, आपके कहने पर हम ये करेंगे। उन्होंने किया और इतनी सारी मछलियां पकड़ी कि वे संभाल नहीं पाए, क्योंकि शिमोन ने अपनी नाव को प्रभु को वचन सुनाने के लिए दिया और अपने कान को प्रभु के वचन को सुनने के लिए दिया। जब हम अपने ध्यान और अपने कान को प्रभु के वचन पर लगाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में भी इसी तरह चमत्कार करेंगे। आपसे अनुरोध है कि पवित्र वचन सुनने के लिए अपने कान को खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशन ग्रंथ की अध्याय 19 उसके वाक्य 16 में प्रभु येसु को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया है। वहां पे लिखा हुआ है कि उनके जांघ पर लिखा हुआ था, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। और आज के दिन संसार भर में, विशेष करके कैथोलिक कलीसियाओं में, क्रिस्त राजा पर्व मनाया जाता है। लोग येसु राजा के आदर में जुलूस निकालते हैं। हमारे बनारस में एक छोटे इलाके में जुलूस निकाला जाता है। अभी मुझे याद है, कई साल पहले, करीब 34 साल पहले, एक गांव में हम लोग थे, मिशन में थे, वहां से भी जुलूस निकाला गया था और बाजार तक जुलूस गया। और बाजार में एक जगह पे सभी लोग इकट्ठे हो गए और उस समय वहां पर प्रवचन सुनाया जाता था। जुलूस के दौरान हमारे युवक युवतियां गाते जा रहे थे, येसु राजा, येसु राजा, येसु राजा। तो सुनने वाले आपस में फुसफुसाने लगे, भाई ये येसु को क्यों ये राजा कहते हैं? जहां तक हम जानते हैं, येसु का जन्म एक गौशाले में हुआ, येसु एक बढ़ई थे, तो ये लोग इनको राजा क्यों कहते हैं? सच्चाई है, येसु का जन्म एक गौशाले में हुआ, उनके मृत्यु शहर के बाहर हुई, एक डाकू की तरह एक बढ़ई के परिवार में पले, तो येसु कैसे राजा हुए? इसका जवाब हमें
यौहन के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 36 और 37 में मिलता है। प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे और पिलातुस ने पेत्रु यीशु से पूछा कि क्या तुम राजा हो? ये लोग कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम राजा हो। प्रभु ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यहां पर हमें जवाब मिलता है। प्रभु ने पिलातुस से कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इस संसार के राजा के पास अपना राज्य होता है और उसकी सीमाएं होती हैं, और प्रभु के राज्य की सीमा नहीं है। इस संसार के राजा का राजा की सेना होती है और यीशु की कोई सेना नहीं है। इस संसार के राजा का सोना होता है, खजाना होता है, धन होता है, लेकिन यीशु के पास ये सब नहीं था, ना ही है। इस संसार के राजा का एक आसन होता है, एक वाहन होता है, एक किरीट होता है, लेकिन प्रभु यीशु इस संसार के राजा की तरह नहीं थे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए ईश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को लोगों को समझाने के लिए, और जो शैतान के राज्य में थे उनको ईश्वर के राज्य में लाने के लिए प्रयास करने के लिए, जो निराशा में थे उनको आशा में लाने के लिए, जो उदासी में थे उनमें आनंद भरने के लिए, जो बंधनों में थे उनको बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए, जो शैतान के वश में पड़े थे उनको छुटकारा देने के लिए। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। तो प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में लोगों को शिक्षा दी और प्रभु यीशु ने लोगों को जो शैतान के वश में पड़े थे छुटकारा दिलाकर ईश्वर के राज्य में लाया। अब सवाल यह खड़ा होगा कि ईश्वर का राज्य क्या है? रोमियों के पत्र की अध्याय 14 वाक्य 17 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है। यानी ईश्वर के राज्य का मतलब आर्थिक और अन्य प्रकार की प्रगति नहीं है। पौलुस बताते हैं ईश्वर का राज्य न्याय, शांति और आनंद का विषय है, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। न्याय यानी सम्मान, प्रेम, शांति यानी मेल मिलाप, भाईचारा, आनंद यानी संतुष्टि। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु ने कहा ईश्वर का राज्य तुम में है। जहां न्याय है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, प्रेम है, वहां ईश्वर का राज्य है। जहां शांति है, मेल मिलाप है, भाईचारा है, वहां ईश्वर का राज्य है। जहां सच्चा और शाश्वत आनंद है, संतुष्टि है, संतृप्ति है, वहां ईश्वर का राज्य है। और जहां न्याय नहीं है, अन्याय है, सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां पर शैतान का राज्य है। जहां शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, भाईचारा नहीं है, वहां शैतान का राज्य है। जहां आनंद नहीं है, उदासी है, निराशा है, वहां पर शैतान का राज्य है। आज
किसका राज्य है? एक हजार दिनों से दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा है, कई महीनों से दूसरे दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा है, अरबों खरबों रुपए बर्बाद किए जाते हैं, मकान विध्वस्त किए जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग मर गए, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। आज इस संसार की स्थिति क्या है? अन्याय। हमारे समाज को हम देखें, अन्याय, शोषण, बेईमानी, झूठ, हत्या, व्यभिचार, किसका राज्य है? ये सब किसके राज्य का लक्षण है? क्या ईश्वर के राज्य का लक्षण, शैतान के राज्य का लक्षण है? और यही कारण है प्रभु यीशु ने यौहन के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 31 में और यौहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 30 में शैतान को संसार का नायक कहा है। शैतान को संसार का नायक कहा है। जिस समय से मनुष्य ने पाप की अपराध किया, उस समय से शैतान ने सब कुछ पर अधिकार लिया। देखिए, कुछ साल पहले जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, हम लोग कितने आनंदित थे, कितना अच्छा है। जब मोबाइल आया, हम लोग कितने आनंदित थे, बाप रे, अपने जेब में मोबाइल रहेगा, जहां भी जाएंगे हम लोगों से संपर्क करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों पर शैतान का अधिकार हो गया, उसने अपने अधीन कर लिया, और इन सारी चीजों के जरिए कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। शैतान इस संसार का नायक बना हुआ है। आज हमारे दिलों में किसका राज्य है? आज हमारे घरों में किसका राज्य है? हमें सोचना होगा। अगर हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे समाज में न्याय है, शांति है, आनंद है, इसका मतलब ईश्वर का राज्य है, वो ईश्वर के राज्य का लक्षण है। अगर ठीक इसके विपरीत है, इसका मतलब शैतान का राज्य है, तो हमारे दिलों में किसका राज्य है? हमारे घरों में किसका राज्य है? हमारे समाज में किसका राज्य है? यौहन अपने पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 15 से कहते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। संसार टिकाऊ नहीं है, संसार नश्वर है। जिसके पीछे हम लड़ाई लड़ते हैं, जिसके लिए हम लोग आतुर हैं, हमारे अंदर लोभ है, लालच है, ये सब टिकाऊ नहीं है, बल्कि ईश्वर का राज्य टिकाऊ है। ईश्वर का राज्य टिकाऊ है। अब सवाल आपके मन में खड़ा होगा कि ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में कैसे आएगा? हम कैसे ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे? कैसे हम ईश्वर के राज का अनुभव करेंगे? आज का प्रवचन में मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप स्वयं महसूस करते हैं। कैसे ईश्वर का राज हमारे परिवार में आएगा, हमारे हृदयों में आएगा, हमारे समाज में आएगा? उसके लिए हमें ईश्वर को अपने जीवन और घर का केंद्र बनाना होगा। यीशु को अपने जीवन
और अपने घर का केंद्र बनाना होगा, मालिक बनाना होगा, नौकर नहीं बनाना है। कई मसीहियों और विश्वासियों के लिए यीशु नौकर है। कोई काम पड़ता है तो बुलाते हैं, उसके बाद बोलते हैं बाहर जाके बैठिए। वर चाहिए तो यीशु, वर मिल गया तो यीशु बाहर। नौकरी चाहिए तो यीशु प्रभु, जब नौकरी मिल गई तो प्रभु बाहर। बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए रो रहे हैं, जब बच्चा मिल गया तो बच्चा ईश्वर बन गया, अब उसके बाद यीशु बाहर। ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर का राज हमारे जीवन में और हमारे परिवार में तब आएगा जब ईश्वर हमारे जीवन का केंद्र बनेंगे और हमारे परिवार का केंद्र बनेगा और हम ईश्वर के शासन को स्वीकार करेंगे। ईश्वर के शासन को स्वीकार करेंगे। अब राज्य में राजा की बात चलती है कि नवश्य प्रजा की बात चलती है? राजा की बात चलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य आवे तो हमें राजा की बात को मानना होगा, हमें राजा के अनुशासन को मानना होगा, हमें राजा के शासन को मानना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा ना, जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई, प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य तब आएगा जब हम भी इसी तरह प्रार्थना करेंगे और वास्तव में ईश्वर से मांगेंगे कि तेरा राज्य हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार में आए और तेरी इच्छा पूर्ण हो मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। तब यीशु हमारे परिवार का राजा बनेगा। जब यीशु हमारे परिवार का राजा बनेगा तो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1:16 में लिखा हुआ है, कोलोसी अध्याय 1:16 में, सब कुछ यहां तक कि स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी उनके लिए और उनके द्वारा सृष्टि किया गया है। ये उनके लिए मतलब क्या है? यीशु के लिए, क्रिस्त के लिए। यानी सब कुछ का केंद्र क्रिस्त होना चाहिए, यीशु होना चाहिए। जब तक सब कुछ का केंद्र यीशु है सब कुछ संतुलित चलेगा। लेकिन जिस समय हम क्रिस्त को, यीशु को दरकिनार करते हैं, बगल में रखते हैं और अन्य किसी लोग या वस्तु या चीजों को उनका स्थान देते हैं, तब आपके जीवन में एक असंतुलन आएगा, आपका जीवन डगमगाने लगेगा। क्योंकि जो बैलेंसिंग व्यक्ति है, जो आपके जीवन को संतुलित रख सकते हैं, वो यीशु है। उनको केंद्र में होना चाहिए, उनकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। जब वो केंद्र में होंगे तो उनका शासन होगा, उनकी चलेगी, उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन होगा, तब हमारे जीवन में हमें उसका नतीजा देखने को मिलेगा। नतीजा क्या है? ईश्वर का राज, न्याय, सम्मान, प्रेम, शांति, मेल मिलाप, सहनशीलता, सच्चा आनंद, संतुष्टि, आपसी मेल मिलाप, झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि जहां संतुष्टि होती है, जहां प्रेम होता है, जहां आनंद होता है, जहां सम्मान होता है, वहां पे झगड़ा नहीं होता है। उसके लिए हमें प्रभु को अपना केंद्र बनाना पड़ेगा, प्रभु के लिए समय निकालना पड़ेगा, प्रभु के वचनों और शिक्षाओं को सुनने के लिए अपने कानों को खोलना पड़ेगा, प्रभु को परिवार और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाना पड़ेगा। तब
हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य आएगा। आपने देखा होगा एक बहुत सुंदर कैप्शन है अंग्रेजी में, उसमें लिखा हुआ है जीसस इज द हेड ऑफ दिस फैमिली द अनसीन गेस्ट इन एवरी मील। यानी यीशु इस परिवार का मालिक है, यीशु इस परिवार का मालिक है और हर भोज के समय अदृश्य मेहमान है। ये ईश्वर का राज्य है और जब यीशु हमारे जीवन का केंद्र बनेंगे, हमारे परिवार का केंद्र बनेंगे, आप देखेंगे ये सारे नतीजे ईश्वर के राज्य के लक्षण आपके परिवार में देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 19 के जक्यूस से सीखना चाहिए। लूकस अध्याय 19 में हम जक्यूस के बारे में पढ़ते हैं। जक्यूस के बारे में वर्णन दिया गया है कि वो प्रमुख नाकेदार था, बहुत धनी था, बेईमानी करता था, समाज के सामने पापी था। इतना ही नहीं, वो नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक बेसब्री थी, उसके अंदर एक अशांति थी। वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं। उसने सोचा होगा कि मेरे परिवार की समस्याएं यीशु को देखने से समाप्त हो जाएंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश भीड़ चारों ओर थी और वो नाटा था, यीशु को देख नहीं पाया। जिस मार्ग से यीशु गुजरने वाले थे उस मार्ग के किनारे एक गुलर का पेड़ था, उस पर चढ़कर बैठ गया यीशु के इंतजार में। बड़े मजे की बात, यीशु वहां पे पहुंच जाते हैं। बड़े मजे की बात है कि यीशु वहां पे पहुंच जाते हैं और न केवल जकेबुस ने यीशु को देखा बल्कि यीशु ने जकेबुस को देखा और यीशु ने जकेबुस से कहा कि जकेबुस जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। यानी प्रभु जकेबुस से कहना चाहते थे कि मैं मुझे देखने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, जकेबुस बड़ा समझदार इंसान था, चालू तो था ही लेकिन समझदार भी था। प्रभु के इशारे को आराम से समझ लिया, जल्दी से नीचे उतर आया। लोग मुनमुनाते हुए खड़े रहे हैं यह कहकर कि एक पापी के यहां ठहरने जा रहा है। जकेबुस ने ज्यों ही यीशु जकेबुस के घर पे आए, जकेबुस ने सबके सामने घोषित किया कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके प्रति मोह मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। ईश्वर का राज्य मेरे परिवार में आने के लिए मेरी संपत्ति और संपत्ति के प्रति मोह एक बहुत बड़ी बाधा है, मैं आधा हिस्सा गरीबों में बांटता हूं। दूसरी बात, मैं जिन जिन लोगों को ठगा हूं उनको मैं दार गुना वापस लौटाऊंगा। यानी मेरी जीवन शैली ईश्वर के राज्य के लायक नहीं थी, मैं उसको त्याग देता हूं। जकेबुस ने एक कड़ा कदम उठाया, धनी था, धन कमाने के लिए न जाने कितनी बेईमानी की, लेकिन जब यीशु वहां पे आए तो ईश्वर के राज्य के स्वागत में जकेबुस ने यह किया करके दिखाया। उसने ईश्वर के राज्य और यीशु को प्राथमिकता दी और उसने जिस तरह संत पौलुस फिलिप्पी अध्याय 3:7-9 में कहते हैं कि जिन चीजों को मैं मूल्यवान समझता था मैं उनको आज कूड़ा समझ गया हूं, क्रिस्त के सामने, यीशु के सामने वो सब कूड़ा है। जकेबुस को भी कुछ ऐसा एहसास हुआ। उसके बाद यीशु ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, यीशु ने घोषणा की आज इस घर में मुक्ति आई है।
जकेउस के उस कार्य के बाद यीशु के आगमन के द्वारा उस घर में मुक्ति आई, यानी ईश्वर का राज्य आ गया। न्याय, सम्मान, प्रेम, शांति, मेल मिलाप, सहनशीलता, आनंद, संतुष्टि उस घर में आई। ईश्वर के राज्य को हमारे परिवार में लाने के लिए, हमारे जीवन में लाने के लिए हमें भी जकेउस की तरह कोई ऐसे कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आप चाहते हैं कि आपके घर पे शांति हो, मेल मिलाप हो, प्रेम हो, सम्मान हो, न्याय हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लोग आनंदित रहें? यानी यो कहूं कि आप चाहते हैं कि आपके घर पे, आपके परिवार में ईश्वर का राज्य आवे? यीशु का स्वागत कीजिए, यीशु को अपने परिवार का केंद्र बनाइए, यीशु को अपना राजा बनाइए। जुलूस में घूमते समय राजाओं के राजा यीशु हालेलुया बोलना आसान है, लेकिन यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना बहुत कठिन है। बनाइए, आप उसका नतीजा देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि 2000 वर्ष पहले तू ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, प्रचार के लिए संसार में आया। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा, तेरे बड़े बड़े कार्यों के द्वारा तूने ईश्वर के राज्य को हमारे सामने पेश किया। धन्यवाद यीशु। आज भी तू हमारे सामने अपने पवित्र वचनों को और अपने कार्यों को रखते हुए हमें आमंत्रित करता है, ईश्वर के राज्य में आओ। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तू हमें आह्वान करता है यीशु, आओ ईश्वर के राज में आओ। तू हमें ललकारता ये कहता है, कहकर कि अपने घर पे, अपने परिवार में ईश्वर के राज्य को आने दो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु हमें भी शांति चाहिए, हमें भी न्याय सम्मान चाहिए, हमें भी मेल मिलाप चाहिए, हमें भी सच्चा आनंद चाहिए। तूने हमें सिखाया, प्रार्थना करो पिता से, हे पिता तेरा राज्य आवे। आज बार बार हम कहना चाहते हैं, हे पिता तेरा राज्य आवे, तेरा शासन हमारे परिवार में हो। हमारे परिवार में कितनी अशांति है, कितना झगड़ा है, मेल मिलाप की कमी है, प्रेम की कमी है, आपसी तनाव है। तेरा राज्य आवे पिता। प्रभु यीशु तू हमारा राजा है, तू हमारे परिवार का मालिक है। आज तुझे हम अपने परिवार का मालिक घोषित करते हैं। आज से तेरा शासन हमारे परिवार में हो, ताकि शैतान हमारे परिवार में कुछ ना कर सके, बल्कि तेरा शासन हमारे परिवार में हो, हमारे जीवन में हो। यीशु तू हमारा राजा है, सच्चा राजा है। तो ईश्वर के राज्य को हमारे जीवन में स्थापित करना चाहता है यीशु। आइए, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह।
गाइए। राजाओं का राजा है, ताली बजा कर गाएंगे। राजाओं का राजा है, खुशी के साथ गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो राजा विश्वास
के साथ राजाओं का राजा है वो प्रभु प्रभु है। और एक बार राजाओं का राजा है वो प्रभु प्रभु है। आइए लोग सुनते करेंगे हालेलुया 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 महिमा महिमा स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु 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 तेरी महिमा हो कोई आराधना हो तेरी स्तुति हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करें अपने सारे हृदय से सारी बुद्धि से सारी आत्मा से सारी शक्ति से हम प्रभु की सेवा में लग जाएं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। जब हम प्रभु की आराधना में लगे हैं प्रभु की उपासना में लगे हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से हर कार्य से अपने आप को आजाद करके इस आराधना में भाग लेंगे। ये आशीष का समय है कृपा का समय है। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। आज की इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करना चाहते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको नहीं ठुकराएंगे। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पर लगाइए। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस आराधना के दौरान तुझसे जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनकी भक्ति के लिए श्रद्धा के लिए प्रेम के लिए और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस आराधना के दौरान तू उनको स्पर्श करेगा। तूने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। मैं तेरी एक एक प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं और एक एक प्रतिज्ञा की योग्यता से और शक्ति के द्वारा इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं अपने भाई बहनों के लिए। इस प्रार्थना के दौरान उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएं, उनके परिवारों में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएं, बाधाएं दूर हो जाएं, बंधन टूट जाएं, हर प्रकार के रोग से उनको छुटकारा मिले। प्रभु आराधना हमारे लिए तुझसे जुड़ने का समय है। आइए मेरे भाई और बहनों इस समय हम हृदय खोल कर प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आंखें मन कीजिए मुख खोलिए और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान प्रभु इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु हमारे बीच में विराजमान प्रभु हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु इस आराधना में आइए, हमारे बीच में आइए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए हमारे बीच में आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालिया 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 आरा नरा 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 महिमा 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 महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। भी तू है और तू तो मेरा
चला, जीवन भर दे मेरा। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम अपने जीवन को जांच करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम अपना जीवन स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं। जो हमें अच्छा लगे, जहां हमें अच्छा लगे वहां हम जाते हैं, जो हमें अच्छा लगे, सुविधाजनक लगे वो हम करते हैं, जो हमें पसंद है वो हम करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं हम उनको प्यार करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हम लोग अंधाधुन जीवन जीते हैं, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भावुकता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, लोगों के कहने के अनुसार हम जीवन जीते हैं। इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। हमारी सारी समस्याओं का मुख्य कारण यह है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम अपने विचार के अनुसार जीवन जीते हो, तुम अपना मार्ग पकड़ लेते हो। इसयास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। यही तो हो रहा है, अपने मन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हम काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग टूट जाते हैं तब दौड़कर प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें बचाइए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हमें अपना जीवन प्रभु को अर्पित करना है, उस पर भरोसा रखना है और वह हमें सुरक्षा देगा, हमें हमारी रक्षा करेगा। हमें प्रभु को अपना जीवन का केंद्र बनाना है, प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलना है। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलने के लिए आज ही ठान लेंगे, प्रभु आपकी सुरक्षा और आपके जीवन को नियंत्रित करने का प्रबंध करेंगे। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है, जहां पर प्रभु के आदेश का पालन किया गया वहां पर प्रभु की आशीष आई, जहां पर मैंने प्रभु को अपना राजा माना, अपना मालिक माना, तो प्रभु ने सब कुछ नियंत्रित किया। पिछले 29 साल से मैं इस आश्रम का अधिकारी हूं। मैंने देखा कि कैसे प्रभु इस आश्रम को चलाते हैं। जरा भी मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं हुई, एक पल भी, क्योंकि हर पल हर समय हमने इस आश्रम को प्रभु को अर्पित किया है
और जहां तक हो सके प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास किया है। आपके जीवन की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि आप मनमाना जीवन जीते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रभु से पूछते नहीं हैं क्या ये करूं या ये ना करूं। आप अपना निर्णय स्वयं लेते रहते हैं, जब टूट जाता है, जब आप विफल हो जाते हैं, या तो प्रभु को कोसते हैं या प्रभु के पास रो रो कर आते हैं। यीशु को अपने जीवन का राजा बनाइए, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाइए। लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 के जक्केउस की तरह यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाइए। आज इसी वक्त निर्णय लीजिए कि यीशु मेरे जीवन का केंद्र होगा, मैं यीशु की बातों के अनुसार कार्य करूंगा। यीशु हमारे परिवार का केंद्र होगा, यीशु को सबसे बड़ा स्थान दिया जाएगा। आप देखिएगा आपकी जिंदगी कितना सुंदर हो जाएगी। मनमाना नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं, यीशु की शिक्षा के अनुसार, यीशु के संदेश और यीशु की प्रेरणा के अनुसार। आप देखेंगे यदि आप यीशु को राजा बनाएंगे तो यीशु आपका संरक्षण करेंगे। हम लोग बाइबल को दो भागों में विभाजित करते हैं, कि पुराना विधान, दूसरा है नया विधान। विधान का मतलब क्या है? एक अटूट रिश्ता। ईश्वर हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहता है। पुराने विधान में बार बार आप पढ़ेंगे, ईश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा बने रहोगे और मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा। जब तक तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा, यानी मैं तुम्हारे प्रति सत्य प्रतिज्ञ बना रहूंगा, मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। इसराइलियों ने जब तक इस बात को अपने जीवन में प्रमाणित किया या इसका पालन किया, प्रभु के संरक्षण का उनका अनुभव हुआ। लेकिन जब वे लोग भटक गए तो प्रभु के संरक्षण से दूर चले गए। तो आज हम प्रभु यीशु को अपना राजा बनाएंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता, तेरा राज्य आवे। आपका अनुवाद क्यों होगा? हे पिता तेरा राज्य आवे, हे पिता तेरा राज्य आवे, हे पिता तेरा राज्य आवे, हे पिता तेरा राज्य आवे मेरे जीवन में, हे पिता तेरा राज्य आवे मेरे हृदय में, हे पिता तेरा राज्य मेरे हर कार्य कलाप में, हे पिता तेरा राज्य आवे मेरे विचारों में, हे पिता तेरा राज्य आवे मेरी योजनाओं में, हे पिता तेरा राज्य आवे मेरे परिवार में, हे पिता तेरा राज्य आवे मेरे परिवार के सभी सदस्यों में, हे पिता तेरा राज्य आवे मेरे गाँव में, तेरा राज्य मेरे मोहल्ले में, पिता तेरा राज्य हमारे देश में, पिता तेरा राज्य सारे विश्व में, पिता तेरा राज्य हे पिता तेरा राज्य आवे। पिता तेरा राज्य हम बार बार दोहराते जाएंगे, हे पिता तेरा राज्य आवे, 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 हे पिता तेरा राज्य। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच कई लोग रोगी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। हम उन सबको इस समय प्रभु के पास लाएंगे। इस प्रार्थना सभा में बहुत सारे रोगी भी भाग ले रहे हैं। कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई बैठा है। उन सभी लोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। यीशु कल, आज और अनंत काल तक एक सा है, कोई फर्क नहीं। उस यीशु के हाथ में उन सबको समर्पित करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन पर दया करना, उनके सारे पापों और अपराधों को क्षमा करना, उनके पर जो अशुद्ध आत्माओं का असर है उससे उन्हें छुटकारा देना, हर प्रकार के बंधन से उन्हें आजाद करना, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, गंदे रिश्ते के बंधन से, हर प्रकार के बंधन से उनको आजाद करना,
स्वतंत्र करना। आइए हम लोग इस समय हृदय खोलकर प्रार्थना करेंगे। सभी रोगी भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद रखें और इस समय विश्वास करें कि यीशु आपके पास आ रहे हैं, आपको स्पर्श कर रहे हैं। आइए हम लोग सभी मिलकर एक साथ इन भाई बहनों के लिए प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हीलिंग 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 चंगाई 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 कैंसर के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय रोग से, हर प्रकार के रोग से चंगाई 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई भाई बहन हैं जिनको बहुत ज्यादा घुटन महसूस होता है, बंद कमरे में रहना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल होता है, बहुत घुटन महसूस होता है। ऐसे भाई बहनों को इस समय प्रभु आजाद कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कई बहनें हैं जिनके शरीर में ऑपरेशन हुआ लेकिन उन्होंने इसका ज्यादा ख्याल नहीं किया और इसीलिए अंदर से घाव खुल गए हैं। ऐसी कई बहनें हैं, प्रभु यीशु आपके घाव को इस वक्त चंगा कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए। हमारे बीच कई बहुत गरीब भाई बहन हैं, कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन कोई तरक्की नहीं होती है। आपके परिवार के उस बंधन को प्रभु दूर कर रहे हैं और आपको प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। मातृधाम आश्रम में प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थनाएं चलती हैं, दर्शन भवन में प्रार्थना चलती रहती है और अलग मध्यस्थ प्रार्थना भी चलती है। आप में से कोई यहां पर आकर कुछ दिन रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जाड़ा है इसीलिए शायद हल्का फुल्का अपने आप हल्की फुल्की अपनी व्यवस्था करके आने की जरूरत है। इसके अलावा मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा पत्रिका, आप हमारे फेसबुक पर इसको पढ़ सकते हैं, मातृधाम फेसबुक अकाउंट पर पढ़ सकते हैं। मातृधाम रेडियो अभी भी चल रहा है, हजारों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, आप उठाइए मातृधाम रेडियो। आपको प्ले स्टोर से इसका ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें। YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं वे कार्यक्रम हैं, सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, और इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और मातृधाम सत्संग हर रविवार को दोपहर को 12 बजे और सुबह मिसा बलिदान 5 बजे। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए आप कृपाएं प्राप्त करें, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। आइए हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करें और जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने साथ इस समय उठाकर पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र करना, इसको चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए इस्तेमाल करना। प्रार्थना कीजिए।
वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे।